तो आ जाओ दोस्तों, जिसे भी बेलपत्र का जूस पी रहा हूँ वो आ जाओ। एक गिलास पी लिया है और दूसरा गिलास फिर से भर दिया है, और एक गिलास की और तैयारी है सबके लिए। तीन तीन गिलास मतलब मम्मी ने बनाई है। लो जी, जूस पी लिया है बेलपत्र का, और वही बारी मतलब जिस बर्तन में खाते हैं या पीते हैं वो मतलब ऐसे पानी खड़ा कर देते। बेलपत्र का जूस पीने के बाद मैं सो गया था, और अभी उठा हूँ थोड़ी देर पहले। यहाँ गाँव में दावत वगैरह थी तो दावत खाई मैंने, उसके बाद बस अब फार्म पे जा रहा हूँ घूमने के लिए। तो बस पहुँच रहा हूँ फार्म पे, आ गया हूँ इस तरफ इस गली में, अपनी गली में, और आगे मतलब गोहानी वाले फार्म पर पहुँच जाऊँगा। बस पहुँच रहा हूँ, चलते हैं आगे की तरफ। और सामने वाली पेड़ी में मतलब गन्ने का जो फसल है तो उसमें हमने पानी दिया था आज तो, और उसमें ही मतलब जो इलाहाबाद से हम गन्ना लेकर आए थे, बीज लेकर आए थे, वो बीज मतलब देखते हैं कि कितना मतलब उसके कल्ला कितने बड़े हुए हैं। लो जी, आ चुका हूँ मैं रोड की तरफ। हमारा ये वाला रोड हाईवे होने वाला है। चर्चा चल रही है कि इधर से हाईवे निकले या फिर थोड़ी सी 10 किलोमीटर के बाद और भी हाईवे है। हाँ, घूमे आए हम, घूमे आए, हाँ मिल गए। पापा जी चले गए हैं आगे गाँव में, घर की तरफ चले गए, और मैं इधर शॉर्टकट अपनाता हूँ। मेरे पैर धुल जाएंगे यहाँ से। ये है पानी, लो जी धुल चुके हैं मेरे पैर। गुड आफ्टरनून दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने ब्लॉग में। आज सुबह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मेरा फोन आज स्विच ऑफ था या चार्ज नहीं हो पाया था, तो इस वजह से मतलब मैं ब्लॉग नहीं बना पाया मॉर्निंग में। तो बस अब बनाया है, और अब मम्मी जी यहाँ पर मतलब दोपहर हो गई, दोपहर में मम्मी जी जो बेल पत्थर की लस्सी होती है वो बना रही है। मैं वो दिखाता हूँ आपके लिए। देखो ये बेल पत्थर का जूस है, और ये चलने से मतलब छान रहा है लेकिन इसमें निकल नहीं रहा, गाड़ी गाड़ी है काफी। तो आ जाओ दोस्तों, जिसे भी बेल पत्थर का जूस पी रहा हूँ वो आ जाओ। एक गिलास पी लिया है और दूसरा गिलास फिर से भर दिया है, और एक गिलास की और तैयारी है सबके लिए। तीन तीन गिलास मतलब मम्मी ने बनाई है। तो बस ये पी रहे हैं बेल पत्थर का जूस। जिसे किसे पीना हो वो आ जाओ, स्वागत है आपका। हमारे बाग में दो बेल पत्थर के मतलब पेड़ हैं, तो मतलब उन पे बहुत सारे बेल पत्थर उतरते हैं हर सालाना। मतलब यही क्रम रहता है, करीब 2 से 2.5 महीने तक हम बेल पत्थर की मतलब लस्सी बना बना कर पीते हैं। तो बस कुछ बेल पत्थर हम ननिहाल है वहाँ भेज देते हैं, रिश्तेदारियों में भेज देते हैं। तो आ जाओ पी लो, और करीब 20-25 दिन के बाद आम ही आ जाएंगे, तो मीठे मीठे जो डाल के आम है मतलब वो भी खा लेते हैं। लो जी, जूस पी लिया है बेल पत्थर का, और वही बारी मतलब जिस बर्तन में खाते हैं या पीते हैं वो मतलब ऐसे पानी खड़ा कर देते हैं ताकि उसमें जमे नहीं, और जब धुलाई बर्तन धुलते हैं तो आसानी से बर्तन साफ हो सकते हैं। लो जी, पेट हो गया ओवर। 2 3 गिलास बेलपत्थर का जूस पीने के बाद अब ये बर्तन है वो सब बर्तन मतलब उठाकर रख देते हैं वहीं पर सिंक में। बेलपत्थर का जूस पीने के बाद मैं सो गया था, और अभी उठा हूँ थोड़ी देर पहले। यहाँ गांव में दावत वगैरह थी तो दावत खाई मैंने, उसके बाद बस अब फार्म पे जा रहा हूँ घूमने के लिए। तो बस पहुंच रहा हूँ फार्म पे, आ गया हूँ गेट पे और बाहर निकलता हूँ। इधर ये हमारा नन्ना प्यारा सा देखो बच्चा है, बछड़ा गाय का, कितना प्यारा है, मासूम सा। और इस तरफ मैं जा रहा हूँ फार्म पर, आ गया हूँ इस तरफ इस गली में, अपनी गली में, और आगे मतलब गोहानी वाले फार्म पर पहुंच जाऊंगा। बस पहुंच रहा हूँ, और ये सामने वाला ये पोर्शन है इसमें गन्ना बोया गया था वो मतलब भर गया है, बिल्कुल ओवर हो गया है ये देखो। और इस वाले पोर्शन में मतलब 3-4 दिन और रुकेंगे, उसके बाद मतलब पानी देंगे। ये देखो पूरा पानी भरा पड़ा है इसमें, और इसमें 3-4 दिन के बाद पानी दे देंगे। अगर जल्दी पानी देते हैं इसमें तो इसमें घास ज़्यादा जोर करेगी, ज़्यादा मतलब मात्रा में पैदावार होगी घास की, तो इसे 3-4 दिन रुक जाते हैं, पहले से जुतवा देते हैं, उसके बाद
इसमें वो करवाते हैं, मतलब पानी देते हैं, और इसमें कोराजिन आती है, कोराजिन की शीशी आती है, तो कोराजिन लगवाते हैं, स्प्रे करवाते हैं कोराजिन की, और उसके बाद फिर डाई खाद, वो मतलब प्रोसेस रहता है। चलते हैं आगे की तरफ, और सामने वाले पेड़ी में, मतलब गन्ने का जो फसल है, तो उसमें हमने पानी दिया था आज, तो और उसमें ही मतलब जो इलाहाबाद से हम गन्ना लेकर आए थे, बीज लेकर आए थे, वो बीज मतलब देखते हैं कि कितना, मतलब उसके कल्ला कितने बड़े हुए हैं। और सामने चंदा मामा है, जय हो चंदा मामा। बस 2-3 दिन में पूर्णमासी हो जाएगी। चलते हैं आगे, उसके बाद यहाँ पर देखने के बाद मतलब पछवा वाले फार्म पर चलते हैं, बाग में जाकर देखते हैं कितना भरा या कितना रह गया है। तो अभी लेकर चलता हूँ वहाँ पर, पहले यहाँ पर ये देख लेता हूँ। ये देखो इलाहाबाद से ये कल्ले लेकर आए थे हम, ये काफ़ी जब मतलब सही हो गए, 1 2 3 4, 4 कल्ले हो गए उसके, जम जाएंगे, सही हो जाएंगे और खाने लायक हो जाएंगे। फिर देखते हैं टेस्ट क्या करेंगे। ये 4 मतलब गन्ने उगेंगे, 4 में फिर और मतलब कल्ले निकलेंगे, तो उससे मतलब पैदावार होती रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी। फिर खाने मतलब इतना पैदावार हो जाएगा गन्ने का कि मतलब हमारे खाने के लिए काफ़ी हो जाएगा, हम भी खा लेंगे, रिश्तेदार भी खा लेंगे, और जो आज गांव के लोग हैं कुछ वो भी खा लेंगे। और उस तरफ वो उधर गन्ना का खेत है अपना, उसे आज मतलब हमने जुतवाया था छोटे रोटावेटर से, तो वहाँ पर कल चलते हैं, अभी फिलहाल चलते हैं पछवा वाले फार्म पर, और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि क्या प्रोसेस है, कितना भर गया कितना रह गया। चलते हैं पछवा वाले फार्म पर। उस तरफ से जाने के लिए रास्ता नहीं था, पानी मतलब चलाया था तो पानी मतलब भर गया है, रास्ता बंद हो गया है, तो इस तरफ आ गया हूँ मतलब तालाब वाले फार्म की तरफ। इधर ये तालाब वाला मतलब फार्म है, यहाँ पर मतलब गन्ना है इसमें भी, और इसे जुतवा देंगे बैलों के हल से। तो इधर होकर चलते हैं, इसे देखते हुए चलते हैं कि ऊपर आई है या नहीं आई है, कल जुत जाएगा या नहीं जुतेगा। और कल जुत जाता है तो हल मंगवा लेते हैं अमरपाल भैया का, या फिर अमरपाल भैया के मतलब अमरपाल भैया का समय नहीं होगा तो किसी और को बुला लेंगे, बहल से जुतवा लेंगे। ये देखो ऊपर आ चुकी है इसमें, और हल से चलेगा तो ठीक है, इसे मैं अंदर घुसकर देखता हूँ एक बार। उपार आ चुकी है इसमें भी, मतलब हल चल जाएगा आसानी से, तो मैं बोल देता हूँ फोन करके आज मरपुर भैया को, वो आ जाएंगे और इसकी मतलब जुताई कर देंगे, इसकी भी जुताई कर देंगे, और वो वाला पोर्शन है मतलब उसमें मतलब बिना पानी दिए हुई हम जुतवा देंगे, ताकि पानी देने के बाद घास कम जमे। तो बस पहुँच रहे हैं पछवा वाले फार्म पर। लो जी आ चुका हूँ मैं रोड की तरफ, और बस पहुंच रहा हूँ आगे की तरफ, इस तरफ होकर निकल जाएंगे बाग में, वो तो सामने बाग है अपना। हमारा ये वाला रोड हाईवे होने वाला है, चर्चा चल रही है कि इधर से हाईवे निकले या फिर थोड़ी सी 10 किलोमीटर के बाद और भी हाईवे है। हाँ घूमे आए, हम घूमे आए, मिल गए हाँ मिल गए। तो मतलब यहाँ पर मील नज़दीक है, जो कि मील की वजह से ना यहाँ पर जाम वाम लगा रहता है, तो इसलिए बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मील से 2-3 किलोमीटर दूरी से ही मतलब हाईवे निकालें। तो इस तरफ आगे जाकर तो मतलब करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर मील से एक मतलब रास्ता जा रहा है ऐसे ही, मतलब इसी टाइप से ही, जो कि चंदोसी को लिंक हो रहा, तो वहाँ से निकालने की सोच रहे हैं, और यहाँ से भी निकालने की सोच रहे हैं हाईवे, और यहाँ से निकल जाता है तो मच बेटर है। मतलब किस्मत खुल जाएगी सारे लोगों की। और अच्छा है, देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलते हैं, पापा जी शायद आगे खड़े हैं, ट्यूबवेल लाइट भाग गई है ट्यूबवेल की, और मतलब पापा जी घर जा रहे हैं, तो पहुँचते हैं पछवा वाले फार्म पर। पापा जी चले गए हैं आगे गांव में, घर की तरफ चले गए, और मैं इधर शॉर्टकट अपनाता हूँ, ये पहुँचता हूँ बाग में, पहले बाग में देख कर आता हूँ, ग्राउंड लगाता हूँ बाग में, उसके बाद फिर आराम से घर जाऊँगा, और जो ब्लॉग है कल के लिए एडिट करने के लिए तो वो ब्लॉग एडिट कर दूंगा। उसके बाद मतलब एक ब्लॉग तो आ चुका है, ऑन एयर हो गया, 6 बजे हो जाता है हर रोज़। बस पहुंच रहा हूँ आगे की तरफ, इस तरफ चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, ये गन्ने का खेत है, ये भी गन्ने का खेत है, और इधर बाग है आगे, मतलब हमारा गन्ना है, तो अच्छा लगता है मुझे, जितनी ग्रीनरी होती है मुझे बहुत मतलब लुभाती है ग्रीनरी, और जो पशु पक्षियों की जो आवाज़ होती है वो भी मुझे अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। लो जी आ गया हूँ, और इन्हें इधर पानी है, यहाँ पर पानी यहाँ तक आ गया है ये।
ये देखो, ये पूरा पैल भर चुका है, उस तरफ से पानी आ रहा है। मैं उस तरफ चलकर दिखाता हूँ आपके लिए, ये कल भर जाएगा पूरा, क्योंकि आज ना हवा चल रही थी तेज, तो हवा चल के कर ओह सन गया। कोई नहीं, थोड़ा सा पैर सना है। पानी नीचे नीचे आ गया था, मतलब जुते हुए, मतलब खेत में वाहन में। कोई नहीं, उधर जाकर धुल लूंगा मैं, चलते हैं उधर। लो जी, आ गया हम इस तरफ, जो इरिगेशन डिच हमने बनाई थी, लोकल इरिगेशन डिच, मतलब वहां पर आ गया हूँ। इसमें पानी देखो चल रहा है अभी, ये देखो पानी चल रहा है और आगे की तरफ जा रहा है। इधर ये दो बेल पत्थर के पेड़ हैं, मैं दिखाता हूँ, एक ये वाला है और एक उसके बराबर, जस्ट बराबर से वो वाला है। इसमें बहुत सारे बेल पत्थर उतरते हैं, और जो कि मतलब 2-2.5 महीने तक हम आसानी से उन्हें खाते रहते हैं, उनका जूस बनाते हैं, रस बनाते रहते हैं, लस्सी बनाते रहते हैं। तो बस यही है, और इसमें पानी चल रहा है यहाँ पर, और जो मेरा पैर सन गया है मैं उसे धुलूंगा। वो सब में भर गया है, उधर भर गया, और वो वाला पैल भर गया पूरा। अब इसमें पानी काट दिया है, ये देखो इस वाले पैल में चल रहा है ये पैल, और इतना पोर्शन रह गया है, ये कल मतलब पूरा भर जाएगा। तो मैं जुगाड़ देखता हूँ अपना पैर धुलने की। देखो ये सन गया है पूरा, तो आगे चलकर मतलब मजबूत मिट्टी है, वहां पर जाकर खड़े होकर मैं अपना पैर धुलता हूँ। गन्ने के खेत में आ गया हूँ, यहाँ पर मतलब आसानी से अपने पैर धुल लूंगा। मैं दिखाता हूँ आपके लिए, ये देखो मेरे पैर धुल जाएंगे यहाँ से। ये है पानी, लो जी धुल चुके हैं मेरे पैर, और बस अब घर चलता हूँ, बाग में ही चलता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग बस यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, बिंदास रहिएगा, और अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिएगा। ठीक है, कल फिर मिलते हैं, यहीं पर ही मिलते हैं, फार्म पर ही, या फिर कहीं और जाने का मतलब मूड बनेगा मेरा तो बाहर जाऊंगा और वहां का ब्लॉग बनाऊंगा। तो ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।